हेलो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास सेकेंड साइंस चैप्टर सेवन हाउसिंग एंड क्लोदिंग सो वी स्टार्ट द चैप्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिव इन हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम सभी मनुष्य घरों में रहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाउसेस कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्राम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स घर हमें सेफ रखते हैं और सुरक्षा देते हैं एक तो जंगली जानवरों से और चोरों से थीव्स मीन्स चोर दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन एंड वाइन इसके साथ साथ घर हमें गर्मी से ठंड से बारिश से और हवा से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाउसेस पीपल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस लोग डिफरेंट तरह के हाउस बनाते हैं हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट आयरन कार्ल पक्का हाउस जो हाउस ब्रिक्स सीमेंट्स और लोहे से बने होते हैं उन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं दे आर वेरी विग स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट ये हाउस स्ट्रॉन्ग होते हैं और परमानेंट होते हैं स्थाई होते हैं दे कैन नॉट बी मूवड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऐसे हाउस एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते हैं हाउस इज मेड ऑफ मड एंड कच्चा हाउस जो घर मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं उन्हें हम कच्चा हाउस कहते हैं दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रोंग ये घर स्ट्रोंग नहीं होते हैं बट दे टू आर परमानेंट लेकिन ये भी परमानेंट होते स्थायी होते हैं सम पीपल लिव एट वन प्लेस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम कुछ लोग एक स्थान पर बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं दे विल्ड हाउसेस दैट कैन बी मूवड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वे ऐसे घर बनाते हैं कि जो घर एक स्थान पर दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सके सच हाउसेस आर टेम्परेरी हाउस तो ऐसे घरों को हम टेम्परेरी हाउस कहते हैं यानी अस्थाई घर कहते हैं हाउसेस आर कारबाज विच इज़ इन द हाउस ऑन व्हील्स हाउसेस जो कारबा में रहते हैं जैसे कारमा की तरह जो घर होते हैं विच इज हाउस ऑन व्हील और जो और वैसा हाउस व्हील पर रहता बना रहता है पहिए के ऊपर घर बनाते हैं जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है हाउस बोट ये हाउस विच फ्लोट ऑन वाटर हाउस बोट एक ऐसा हाउस है जो कि पानी में तैरता है वो जो कि इस पिक्चर में एंड टेंट विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ और टेंट एक ऐसा हाउस जो जो कि काफी स्ट्रॉन्ग क्लॉथ से बना होता है तो ये सभी हाउसेस टेंपरेरी होते हैं क्योंकि हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं सम पीपल बिल्ड देयर हाउसेस फ्रॉम आइस कुछ लोग अपने घर आइस से बनाते हैं दीज आर कॉल्ड इग्लूज इन्हें हम इग्लू कहते हैं एस्किमोस लिव इन इग्लू और एस्किमोस जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं इग्लू माने बर्फ पर बने हुए मकान रूफ्स हाउसेज़ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूप सभी घरों की डिफरेंट टाइप्स की छत च्छत हो छतें होती हैं वेयर देयर इज ए हैवी रेनफॉल और स्नो फॉल हैव हाउसेज विद स्लोपिंग रूप जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है काफ़ी बारिश होती है, है बर्फ़ गिरती है बर्फबारी होती है तो वहाँ के मकान की छतें ढलवा होती हैं स्लोपिंग वाली होती हैं स्लि स्लोपिंग रूफ हेल्प्स द वाटर स्नो टू फॉल ऑफ इमिडिएटली क्योंकि स्लोपिंग रूफ से क्या होता है कि पानी या स्नो तुरंत ही गिर जाता है इमीडिएटली रिमूव हो जाता है वहाँ से फ्लैट रूफ्स आर मेड इन हॉट एंड ड्राई रीज़न और जो फ्लैट रूफ होती हैं जैसे कि हमारे घरों की भी फ्लैट रूफ है ये ड्राई रीजन वाले क्षेत्र में होती हैं दे आर मेड ऑफ कंक्रीट और स्टोन टाइल्स और ये छतें कंक्रीट स्टोन टाइल्स की बनी होती हैं इग्लू हैव सर्कुलर रूफ्स और इग्लू की जो छतें होती हैं वो सर्कुलर होती हैं यानी गोल होती हैं फ्लोर्स इन हिल्स फ्लोर्स इज मेड ऑफ वुड पहाड़ियों पर जो घर बने होते हैं उनके जो फर्श होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं इट इज़ मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ इन हट्स इन प्लेन्स ये मड और स्ट्रॉ के बने होते हैं झोपड़ियों में जो कि प्लेन्स मैदानों में रहती हैं फ्लोर इज मेड ऑफ़ सीमेंट मार्बल और इस्टोन्स इन परमानेंट हाउसेस और परमानेंट हाउस के जो फर्श होते हैं वो सीमेंट स्टोन मार्बल्स के बने होते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड हाउस ए गुड हाउस शुड है प्लान्टी ऑफ सनसाइन एंड अ फ्रेश एयर एक अच्छे घर में होना चाहिए एक तो भरपूर मात्रा में सूरज की किरणें आनी चाहिए रोशनी होनी चाहिए और फ्रेश एयर आनी चाहिए ए गुड हाउस मस्ट है प्लान्टी ऑफ ग्रीनरी नियर बाई और एक अच्छे घर के आसपास हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए यानी प्लांट और ट्रीज होने चाहिए वी मस्ट कीप इट क्लीन नीट क्लीन एंड टाइडी हमें अपने घर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए वी शुड कीप इट्स सराउंडिंग नीट एंड पोल्यूशन फ्री और हमें यह अपने जो चारों ओर का वातावरण है सराउंडिंग एरिया है वो पोल्यूशन फ्री रखना यानी प्रदूषण मुक्त रखना है और साफ रखना है ऑलवेज थ्रो बेस्ड इन द डस्टबिन और कचड़े को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए बास्केट एंड एम्प्टी दिस डस्टबिन बास्केट एवरी डे या बास्केट में या एम पी दिस डस्टबिन और ये डस्टबिन और बास्केट को प्रतिदिन खाली करना चाहिए टेक प्रॉपर केयर ऑफ एवरी रूम एंड कॉर्नर ऑफ योर हाउस अपने रूम की और घर के प्रत्येक कोने की प्रॉपर केयर करनी चाहिए उचित देखभाल करनी चाहिए क्लॉस वी वेयर। वी वेयर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेदर आउटसाइड एंड टू बी कम्फर्टेबल जो कपड़े होते हैं वो हमारे बॉडी को आउटसाइड के वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं और ये कपड़े जो कि कंफर्टेबल होते हैं होने चाहिए इन समर इट इज हॉट एंड सनी गर्मियों में काफ़ी गर्म और धूप तेज होती है वीबियर क्लॉथ्स एंड कीप दैट कीप कूल एंड दैट एब्जॉर्व सैट तो हमें जो कपड़े पहनना चाहिए ऐसे कि जो हमें ठंडा रखते हों और हमारे पसीने को सोखते हों दिस थिन कॉटन क्लॉथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर बेस्ट फॉर समर इसीलिए गर्मियों के लिए पतले और लाइट कलर्ड के कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो उचित होते हैं वी ऑल्सो यूज हेड्स एंड कैप्स टू प्रोटेक्ट अवर हैड फ्राम द हॉट सन हमें गर्मियों से बचने के लिए सन से सन की हीट से बचने के लिए अपने सिर पर प्रोटेक्ट करने के लिए कैप को या हेड्स को पहनना चाहिए इन विंटर वी नीड क्लॉथ्स दैट कीप अस वाम सर्दियों में जो हमें कपड़ों की जरूरत ऐसे कपड़ों की ज़रूरत होती है जो हमें गर्म रखते हैं बुलन क्लॉथ्स थिक बुलन क्लॉथ्स मोटे होते हैं एंड वाम गर्म होते हैं वी यूज बुलन कैप्स एंड मफलर्स टू प्रोटेक्ट आवर हेड एंड ईयर्स हम बुलन कैप्स मफलर को अपने कान और सिर को बचाने के लिए यूज करते हैं डार्क कलर्ड क्लॉथ हेल्प टू कीप अवर बॉडी वार्म और डार्क रंग के कपड़े हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं बहन इट रेन्स जब बारिश होती है वी यूज अर रेनकोट और एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द रेन तो हम रेनकोट या अम्ब्रेला को बारिश से अपने आप को बारिश से बचाने के लिए यूज़ करते हैं वी ऑल्सो यूज़ रेन शूज़ और गम बूट्स टू कीप अवर फीट ड्राई और हम रेन शूज़ और गम बूट्स जो बारिश में पहनने वाले जूते होते हैं उन्हें हम गम बूट्स या रेन शूज कहते हैं और वो हमारे पैरों को ड्राई रखते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वेयर क्लॉथ्स दैट ड्राई क्विकली और रेनी सीज़न के दौरान हम जो कपड़े पहनते हैं वो ऐसे पहनना चाहिए कि जो जल्दी सूख जाते हैं एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू शुड डन एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ